सबको विल होने, कितने सालों से ये प्रथा चलती आ रही है ग्रेट ईस्टर्न में कि सिलेक्शन में ज्यादातर इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होता है। तो हम कोई एग्जाम देके आएंगे तो हमको तो यही लगेगा ना कि हम जो लिखे हैं सही लिखे हैं और मेरा अच्छा गया। फेल होते हैं तो उसके बाद से दूसरे को ब्लेम करते हैं कि नहीं नहीं वो सही चेक नहीं किया, वो गलत किया। क्या पहले एक बात समझ लो, कॉर्पोरेट जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो मास्टर है, मास्टर मरीनर, किसी कैप्टन के साथ फोटो डालता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। यही तो दिक्कत है भाई साहब, कभी मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो इनको स्कैमर्स के बारे में क्या पता रहेगा। एवरीवन, मैं थर्ड ऑफिसर शिव अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अभी ग्रेट ईस्टर्न का मेरिट लिस्ट आ गया है और मेरिट लिस्ट के साथ आया है बहुत बवाल, क्योंकि बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरिट लिस्ट ही फिक्स था पहले से ही, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे जिनको पता था कि कौन कौन बच्चा सेलेक्ट हुआ है, और बहुत फालतू फालतू चीज। फालतू क्या बोलेंगे, अब बेचारी की फीलिंग्स थी, कुछ यूट्यूबर्स की फीलिंग्स थी, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दिया, अच्छी बात है। बट चलो इस चीज पे देखते हैं क्या ये सच है कि झूठ है और कितना सच है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है कि ग्रेट ईस्टर्न, हाँ चलो वो मतलब जो भी यूट्यूबर वीडियो डाला उसमें एक चीज सही था कि जब ग्रेट ईस्टर्न वाले को 40 बच्चे लेने होते हैं तो वो 100-120 बच्चे क्यों लेते हैं, मतलब इंटरव्यू पास क्यों करवाते हैं, वो सब चीज अलग चीज है। बट उसके बाद से आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर पे सवाल उठाना कि ग्रेट ईस्टर्न का सिलेक्शन प्रोसीजर ही गलत है, कि वो बोलते हैं कि जो 90% पीसीएम वाले हैं और रैंक भी अच्छा है उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबको वेल नोन है, कितने सालों से ये प्रथा चलती आ रही है ग्रेट ईस्टर्न में कि सिलेक्शन में ज्यादातर इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस होता है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जो बच्चे अगर इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बच्चे कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था? हम कोई एग्जाम देके आएंगे तो हमको तो यही लगेगा ना कि हम जो लिखे हैं सही लिखे हैं और मेरा अच्छा गया। फेल होते हैं तो उसके बाद से दूसरे को ब्लेम करते हैं कि नहीं नहीं वो सही चेक नहीं किया, वो गलत किया, कैसे ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है? दूसरा चीज प्रिपरेशन का, जो ये वीडियो बनाए हैं और दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, पहले खुद देख ले कि किस लेवल का प्रिपरेशन करवाते हैं। 50,000 रुपये फी लेके छोड़ देते हैं बच्चों को, कुछ नहीं करवाते इनके बच्चे। अभी हम वो कुछ दिन पहले की यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे थे इनका इंटरव्यू का, कोई लड़का इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू से पहले एक लंबा सा गाना गा रहा है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। भैया पहले एक बात समझ लो, कॉर्पोरेट जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो मास्टर है, मास्टर मरीनर, जिसको सीधी बात नो बकवास पे बिलीव है। वहां पे जाके अलग अलग तरह के फतवे दोगे तो कभी वो लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो पहले अपना प्रिपरेशन का तरीका चेंज करो, ठीक है? IMU CET के प्रिपरेशन के नाम पे IIT NEET लेवल का क्लासेस करवा रहे हो और उसके बाद से बोल रहे हो कि सिलेक्शन नहीं आ रहे हैं, तो कैसे होगा, ठीक है? अब दूसरा चीज, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि क्वेश्चन लीक होता है, ग्रुप में क्वेश्चंस रहते हैं, बच्चे इंटरव्यू देके आते हैं तो दूसरे को क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, ठीक है? तो भैया पहले एक बात ध्यान से सुन लो, जब हम लोग सेकंड मेट एग्जाम देते हैं ना या फिर ओरल, तो जो भी बच्चा इंटरव्यू देके आता है, ओरल देके आता है, वो फटाफट क्वेश्चन शेयर करता है, ठीक है? और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये क्वेश्चन भरे पड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस लीक हो रहे हैं। इंटरव्यू जो होता है और ओरल, इसके क्वेश्चंस इंटरव्यू पे डिपेंड करते हैं, इंटरव्यूअर पे, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। किससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई नहीं बता सकता है, ये क्वेश्चन लीक कैसे हो गया फिर? ये तो बेवकूफी है ना इस चीज को क्लेम करना कि क्वेश्चन लीक हो रहे हैं। दूसरा चीज, अभी वो भाई साहब किसी स्कैमर का स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये स्कैमर है और ये ग्रेट ईस्टर्न का ही कैंडिडेट है और किसी कैप्टन के साथ फोटो डालता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। यही तो दिक्कत है भाई साहब, कभी मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो इनको स्कैमर्स के बारे में क्या पता रहेगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ऐसे लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं करो जिनका मर्चेंट नेवी का एम भी नहीं पता है। मर्चेंट नेवी में सबसे फेमस होते हैं स्कैमर्स, ठीक है? और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही यही होता है, वो अपने आप को किसी और का ये बता के, रिलेटिव बता के, या फिर किसी कैप्टन का जान पहचान का बता के स्कैम करते हैं। ये भाई साहब स्क्रीन शॉट पे उस कैप्टन का फोटो शेयर कर रहे हैं जो ग्रेट ईस्टर्न के सबसे वेल नोन कैप्टन है, और हमको नहीं लगता है कि कोई भी ग्रेट ईस्टर्न में या किसी भी जो भी लोग उन कैप्टन को जानता है वो कभी उस कैप्टन के बारे में ऐसा सोच भी सकता है, क्योंकि जब हम लोग ग्रेट ईस्टर्न में थे तो वो हमारे फेवरेट कैप्टन थे, ठीक है? और POP जब होता है ना हमारे यहाँ पासिंग आउट परेड, भाई साहब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा आप ये चीज, जब POP होता है पासिंग आउट परेड, तब उस दिन सारे कैप्टन कैडेट्स के साथ बहुत क्लोज आते हैं, ठीक है? और उस दिन हम लोग बहुत सारे फोटोज भी खींचते हैं सभी कैप्टन के साथ, एक एक जाके सोलो फोटोग्राफी होती है, ग्रुप फोटोग्राफी होती है, ये यादगार बनाने के लिए। और ऐसे फोटो बहुत सारे इंटरनेट पे हैं, सोशल मीडिया पे सभी लोग अपलोड भी करते हैं। अगर कोई बच्चा उसको, कोई स्कैमर उसको फोटो को लेके दिखा रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ,
हम लोग जब सेकेंड मेट का एग्जाम देते हैं ना, ओरल देते हैं, तो सुबह 9 बजे से ओरल हमारा शुरू होता था और सुबह 8:30 से पहले हम लोग का व्हाट्सएप पे फोन बजता है, ठीक है। और थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, 8:30 फोन बजेगा, हम लोग फोन उठाएंगे, वो भाई साहब बोलेंगे कि तुम्हारा ओरल है आज, ठीक है, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, अगर नहीं करोगे तो फेल करवा दूंगा। बहुत बच्चे होते हैं जो इस चीज पे बिलीव कर लेते हैं, तो वो लोग सेटिंग वेटिंग करते हैं, 1,50,000-1,50,000 एक सब्जेक्ट का लगता है। ये सिर्फ स्कैमर्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे का ओरल है। अब ये क्या करते हैं कि बस फायदा इसी चीज का उठाते हैं, अगर तुम पास हो गए तो इनका ये कहना होगा कि हाँ इन्होंने करवाया है, पैसे दो, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट रुकवा देंगे। मोस्टली लोग डर जाते हैं और इसी तरह पैसे दे देते हैं, बहुत ऐसा केस देखे हैं, ठीक है। और यही केस यहाँ पर भी है, और ये भाई साहब को शायद अभी पता चला होगा इस स्कैमर्स के बारे में। मेरा लास्ट बैच में भी एक स्टूडेंट का केस हुआ था मेरा, वो बोल रहा था कि भैया ये हमको ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, तो फिर हमने इंस्टीट्यूट में ही बात किए थे, ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ स्कैमर्स हैं जो कि किसी किसी बच्चे का फायदा उठाते हैं। इनके हाथ में कोई सिलेक्शन कोई रिजेक्शन नहीं है। लास्ट टाइम पे ये किसी मैडम का नाम ले रहा था कि हाँ इन मैडम से मेरा कॉन्टेक्ट है, ये है वो है, और ये सब के सब फ्रॉड हैं। ये किसी BSM स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट का भी नाम लेता है कि हाँ मैं वो हूँ ऐसे वैसे करके, बट सब फ्रॉड है। ये इस लड़के का नाम पवन पुरवैया है, पता नहीं 2 साल पहले भी हमको कॉल किया था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, ये करना है वो करना है, और अगर कोई होगा GP रेटिंग वाला तो बताइएगा, मेरे भैया है मर्चेंट नेवी में, वो करवा देंगे। तो इस सब चीज़ से बचो, ठीक है। और भाई साहब थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, ठीक है, और फिर और पता कीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। और जो आप बोले कि हाँ थर्ड ऑफिसर है वहीं का है, और तो उसको तो पता ही होगा, जाहिर सी बात है मेरे पास बेनिफिट है, हमको पता है कि कौन कौन इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेते हैं, और हमको ये भी आइडिया है कि किसको कैसा आंसर पता है, तो उस चीज़ का फायदा है मेरे पास। हम उस चीज़ के हिसाब से अच्छे से अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करवा पाते हैं कि हाँ अगर तुम इस कैप्टन के पास जा रहे हो तो इस चीज़ से बचना, ये फालतू चीज़ें मत बोलना, ठीक है। अब आपके स्टूडेंट जाके वहाँ पे बेवकूफ़ी कराएंगे, वो अगर अच्छे से आंसर नहीं देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप दूसरे पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। और ये ह्यूमन मेंटेलिटी है कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है, अगर अपनी कमी कोई नहीं बताता है, सब दूसरे की गलती बताता है, ठीक है। और बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप भी समझदार हैं, ऐसे बकवास वीडियो डालने से पहले और किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर इनडायरेक्टली ही बोल रहे हैं तो इनडायरेक्टली ही रहने दीजिए, ठीक है, डायरेक्टली मत बनिए। चलिए आप भी खुश रहिए और आप ऐसे ही बकवास वीडियो बनाते रहिए और नौटंकी करते रहिए यूट्यूब पे। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भाई साहब को उस कोचिंग का नाम लेने का हिम्मत नहीं है और इनडायरेक्टली भी हिम्मत नहीं है कि उस कोचिंग के बारे में भी कुछ बोल सकें जो रिजल्ट पोस्ट किया है पहले ही, इसीलिए वो उस पे आ रहे हैं, मतलब ये सोच के कि चलो किसी पे तो ठेकड़ा फोड़ दें। भैया हिम्मत है तो उस कोचिंग का नाम लो ना, इनडायरेक्टली ही ले लो जो रिजल्ट पोस्ट किया रिजल्ट से पहले, ठीक है।